जनपद लखीमपुर खीरी बड़ी खबर। ब्लॉक कर्मियों की लापरवाही से बांटे गए चुनाव निशान को लेकर प्रत्याशी व मतदाता परेशान। मानवीय त्रुटि या साजिश के बीच छूटे मतदाता व प्रत्याशी। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बांकेगंज में चुनाव निशान आवंटन के समय की गई लापरवाही के चलते यहां प्रत्याशी व मतदाता संशय के शिकार हो गए हैं। मामला ग्राम पंचायत सिसनौर का है, जहां रमाकांत वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने प्रधान पद हेतु अपना पर्चा भरा था। चुनाव निशान आवंटन के दिन जब वह चुनाव निशान लेने गया तो आवंटन विंडो पर बैठे कर्मचारी ने उसे कैमरा निशान दे दिया, पर न दिए गए निशान पर कोई नाम हस्ताक्षर मोहर लगाई न किसी रजिस्टर पर चाया गया। प्रत्याशी अपना चुनाव निशान लेकर आया और अपने समर्थकों के साथ जमकर चुनाव प्रचार में लग गया। प्रत्याशी के अनुसार 19 अप्रैल को दिन के लगभग 2 बजे, जबकि मतदान चरम पर था, तब उसे जानकारी दी गई कि वह गलत चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहा है। उसका चुनाव निशान कैमरा नहीं कैरम बोर्ड है। यह सुनते ही प्रत्याशी व समर्थक तथा मतदाता सकते में आ गए। मामले की जानकारी उपजिलाधिकारी गोला को दी गई। वह भी इस अप्रत्याशित घटना को सुनकर तत्काल मौके पर पहुंच गए और मामले का स्थलीय निरीक्षण करने उपरांत उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका चुनाव चिन्ह कैमरा ही रहेगा, मतदान होने दो। अब मतदान को सप्ताह बीत जाने के बाद भी सिसनौर के लोगों में चुनाव निशान आवंटन में गड़बड़ी का भय समाया हुआ है और लोग असमंजस की स्थिति में हैं। सिसनौर के रहने वाले हैं क्या यहाँ पे जो है वोट दी, क्या मामला? हाँ, दिए रहे कैमरा पर। अब बताओ कैरम बोर्ड, हमारा कैरम बोर्ड ना है, कैमरा दे ना हमारे प्रधान। क्या प्रधान का नाम? रमाकांत। नाम मेरा गुड्डी देवी है, सिसनौर के रहने वाले हैं। और रमाकांत तक वोट दो कैमरा पर, और सबने दो कैमरा पर वोट, और सब रहा है के? मेरा नाम रमाकांत वर्मा है, मैं ग्राम सभा सिसनौर ब्लॉक पांकेगंज तहसील गोला गोकरण नाथ का रहने वाला हूँ। मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ा था, मुझे मेरे साथ ब्लॉक पर जालसाजी की गई। मेरा निशान मुझे निशान के रूप में कैमरा दिया गया और बाद में रजिस्टर पर कैरम बोर्ड चढ़ाया गया। मुझे जब कैमरा मिला तब वहाँ मैं कैमरा लेकर आया, उसका प्रचार प्रसार करता रहा। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन लगभग 2-2.5 बजे लोगों ने बताया कि तुम्हारा चुनाव निशान कैमरा नहीं कैरम बोर्ड है। जब मैंने ये जाना तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर मैं ब्लॉक बांकेगंज पर गया, वहाँ पूछताछ करने पर यारों ने बताया नहीं, तुम्हारा कैरम बोर्ड निशान आवंटित किया गया है, लेकिन मुझे पर्ची कैमरे की दी गई थी और ऐसी पर्ची दी गई थी जिस पर ना कोई मोहर है ना सिग्नेचर है किसी की। हमारे यहाँ दूसरी पंचायतों में भी ऐसे ही निशान वितरित किए गए हैं जिसमें ना तो किसी पर्ची पर मोहर लगी चुनाव निशान पर है, ना कोई अधिकारी के दस्तखत हैं, कुछ नहीं है। मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं ग्राम पंचायत सिसनौर का निवासी हूँ। हमें जो है हमारे प्रत्याशी द्वारा बताया गया था कि हमारा निशान कैमरा है, तो हम लोगों ने जो भी वोटिंग की वो सब कैमरे निशान पे ही की है। कौन प्रत्याशी थे आपके? हमारे प्रत्याशी का नाम रमाकांत वर्मा है, उनको ब्लॉक से जो है कैमरा निशान आवंटित किया गया था। उसके बाद पता चला था कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन 2-2.5 बजे हमको सबको बताया गया कि पता चला कि कैरम बोर्ड निशान हो गया है, तो फिर पता किया। उसके बाद हम लोगों ने वोटिंग जो है अपने प्रत्याशी के चुनाव निशान कैमरे पे ही की है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। नाम राजू शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत सिसनौर का निवासी हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रत्याशी जो रमाकांत वर्मा जी हैं उनको चुनाव निशान वहाँ ब्लॉक से कैमरा मिला था, तो कैमरे पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, सारी जनता को यही बताया कि हमारा कैमरा चुनाव निशान है। कैमरा पे ही सारी जनता ने वोटिंग की। वोटिंग के दरमियान समथिंग 1 से 2 के बीच में तो गांव में अफवाह उड़ी है कि आपके प्रत्याशी का चुनाव निशान कैमरा नहीं कैरम बोर्ड है। तो प्रत्याशी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक जब गए तो ब्लॉक में जब ये अधिकारी से बात पूछी, जो आला अधिकारी वहाँ बैठे थे ये जानकारी लेने के लिए, गए जब यहाँ से तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आला अधिकारियों ने इन शब्दों में बात की कि उनके शब्दों को बयान नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बावजूद प्रत्याशी के बाद यहाँ जब हम लोगों ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, तो इसके बाद CO SDM वगैरह आए यहाँ पे, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया लिखित में
कि आपके जो प्रत्याशी का जो चुनाव निशान मिला था उसी को दिलवाया जाएगा, जी ये बात कह के उन्होंने ये मामला शांत करवाया। उसके बाद काफ़ी हम लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक कहीं से न्याय की गुहार नहीं लग पा रही है, ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है, ना ही कोई कुछ सुन रहा है, सिर्फ हम लोगों के हाथ लग रही है। तो निराशा, निराशा के सिवा अभी हम लोगों के पास कुछ नहीं है। ये निराशा कब तक रहेगी ये भी कोई जान नहीं सकता। अब हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि कृपया हमारी बात सुनी जाए, हमारे प्रत्याशी के साथ न्याय हो, हमारी आम जनता जो है, आम जनता जो चाह रही है वही प्रत्याशी को चुना जाए। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS Live News।